हेलो स्टूडेंट, कल आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया था, एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स, जब वे अपनी उपलब्धियों को याद करते हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉइट्स माने उपलब्धियां, वीरता का कार्य या अच्छा कार्य, और देयर एरर्स या फिर गलतियों, जब वो अपनी गलतियों या फिर अच्छाइयों को याद करते हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो वे कल्पनाओं में खोए रहते हैं और अपना सामान भूल जाते हैं। इसके बाद मैं अब यहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ। दे आर अब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, वे बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम, उनकी याददाश्त उनको रोक देती है, रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोसेक थिंग, ये छोटी छोटी साधारण सी चीज़ों को याद करने के लिए, यानी उनकी याददाश्त इन छोटी सी चीज़ों को याद करने में रुक जाती है, अर्थात काम नहीं करती है। एज टेक द बॉल और द बार बैट विथ देम, अपने साथ बॉल और बैट ले जाने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जब वो कल्पना में खोए रहते हैं तो बैट या बॉल जैसी छोटी चीज़ें वो याद नहीं रख पाते हैं। व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वो गाड़ी से उतरते हैं, यानी जब जो गाड़ी से उतरते हैं तो वे बैट और बॉल भूल जाते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और दिन भर, दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड, वे स्वप्न की दुनिया में खोए रहते हैं, और दिन भर वो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। द सेम मे बी सैड, नो डाउट ऑफ एंगलर, कह रहे निसंदेह, नो डाउट, द सेम मे बी सैड, ऐसा ही कहा जा सकता है ऑफ एंगलर्स, मछुआरों के लिए, ऐसा ही मछुआरों के लिए भी कहा जा सकता है, हु फॉरगॉट देयर फिशिंग रॉड, जो अपना फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने वाली जो बंसी होती है, जो उनकी डोरी होती है, उसको भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सैड, मछुआरों के बारे में साधारणतः ये कहा जाता है, आई डू नॉट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन, लेखक कहता है कि सही है जस्टिफिकेशन या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, कह रहा है सबसे कल्पना में डूबे हुए व्यक्ति होते हैं ये, यानी सबसे ज़्यादा सोचने वाले, सबसे ज़्यादा सपनों में खोए रहने वाले व्यक्ति होते हैं मछुआरे। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज, और ये जो व्यक्ति होते हैं वो इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज माने झूठ गढ़ने में, इन्वेंटिंग माने आविष्कार, और मैग्निफिसेंट शानदार, लाइज माने झूठ, अर्थात वो शानदार झूठ बनाने में माहिर होते हैं ये व्यक्ति, अपना झूठ बोलते रहते हैं यानी कल्पना में खोए रहते हैं। ऑन द जर्नी होम आफ्टर ए डे फिशिंग, दिन भर मछली पकड़ने के बाद जब ये घर लौटते हैं तो फिर वो अपने झूठ मनगढ़ंत कहानी को गढ़ते रहते हैं। इज बॉन्ड टू बी ए लिटिल अबसेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, और अपने व्यवहार में ये अबसेंट माइंडेड यानी विस्मृति को प्रदर्शित करते हैं, यानी भुलक्कड़पन को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा साबित करते हैं कि वो सब भूल गए। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन, फिशिंग रॉड यानी मछली पकड़ने वाली जो बंसी होती है, ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन, और वो भुला दी जाती है, अर्थात वो छोड़ देते हैं। बाई हिम एज ही ड्रीम लैंड ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ अटोपिया, वो ड्रीम डे ड्रीम माने दिवा स्वप्न में खोए रहने के कारण, अटोपिया एक किताब है जो कि सर थॉमस मोर ने लिखी है, सर थॉमस मोर के बुक अटोपिया में जो बहादुरी प्रदर्शित की गई है फिशिंग रॉड बंसी के बारे में, यानी उन्होंने इस किताब में लिखा है कि मछुआरे ने किस प्रकार से मछली पकड़ते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं, बस उसी को याद करके ये मछुआरे और अपनी दुनिया में खुश खुश रहते हैं,
सोचते रहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी मछली पकड़ी, बहुत अच्छा काम किया, और वो अपनी बहादुरी के चर्चे मनगढ़ंत बनाते रहते हैं। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली अ ट्राइब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट इन टेकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट। कह रहे हैं उनकी ये याददाश्त खोना, लॉस ऑफ मेमोरी यानी भुलक्कड़पन, इज रियलिटी ए ट्राइब्यूट, वास्तव में एक सम्मान होता है, टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज इंजॉयमेंट, अपना मनोरंजन करने के लिए या सम्मान प्राप्त करने के लिए, इन थिंकिंग, सोच करके अबाउट हिज डेज स्पोर्ट, अपने दिन भर का खेल का शिकार का यानी मछली पकड़ने का जो स्पोर्ट होता है खेल, उसके बारे में। कह रहे हैं इनका भुलक्कड़पन अपने दिन भर के कार्यों का मनोरंजन देने के लिए एक सम्मान की बात होती है। ही मे फॉरगॉट हिज फिशिंग रॉड, वह अपनी फिशिंग रॉड, बार बार आ रहा है ये मछली पकड़ने वाली बंसी, वह अपनी बंसी को भूल जाते हैं। एज द पोएट मे फॉरगॉट टू पोस्ट ए लेटर, जिस तरीके से कवि लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है, जिस तरीके से कभी लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है, उसी प्रकार से ये लोग मछुआरे अपनी बंसी को भूल जाते हैं। बिकॉज हिज माइंड इज फील्ड विथ मैटर मोर ग्लोरियस, और ये भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि इनका मन जो है वो मोर ग्लोरियस, ज़्यादा अच्छी चीज़ों से यानी शानदार चीज़ों के लिए भरे रहता है, इनकी याददाश्त भरी रहती है। एब्सेंट माइंडेड ऑफ दिस काइंड सीम टू मी ऑल बट ए वर्च्यू, लेखक कहता है कि इसका मतलब तो यह है कि ये भुलक्कड़पन जो है, ये विस्मृति जो है इनके, मुझे तो इनका एक गुण प्रदर्शित होता है यानी अच्छाई है ना कि बुराई। आप लोग बात मत करें। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन अ मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। कह रहे एब्सेंट माइंडेड यानी भुलक्कड़पन, विस्मृतियाँ, विस्मृति वाला व्यक्ति यानी जिसकी याददाश्त खराब होती है, वो व्यक्ति जो ऑफ्टेन ए मैन, वह व्यक्ति होता है हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन को अच्छी तरीके से संवार रहा होता है, यानी कल्पनाओं में सही अपने जीवन को अच्छे शानदार तरीके से बनाता है। एंड देयरफोर हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मेडियोकोर, इसीलिए उसे साधारण, मेडियोकोर माने साधारण सी चीज़ों को याद करने का समय ही नहीं मिलता। यानी ये एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने सपनों की दुनिया में शानदार तरीके से जीवन यापन करने के लिए सोचता रहता है, और साधारण चीज़ों को याद करने का उसके पास समय ही नहीं रहता, इसलिए वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेटिस और कॉलरेज, कह रहे सुकरात या फिर कॉलरेज, ये बड़े फेमस लेखक हैं, इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा टू पोस्ट ए लेटर, पोस्ट लेटर डालने के लिए, यानी लेटर डालने के बारे में इन पर कौन विश्वास करेगा। दे हैड सोल एबव सच थिंग, क्योंकि उनके पास ये लेटर जैसी याद करने के लिए, लेटर जैसी छोटी चीज़ों को याद करने के लिए समय ही कहाँ होता है, ये तो अपने अच्छे कामों के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए लेटर डालना भूल जाते हैं। नेक्स्ट पैरा, द क्वेश्चन वेदर द पोजिशन ऑफ ए गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल। कह रहे प्रश्न ये है कि अच्छी याददाश्त का रखना, पोजिशन ऑफ ए गुड मेमोरी, अच्छी याददाश्त का रखना इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल, ये तो हैज ऑफन बीन डिस्कस्ड, बहुत माने डिजायरेबल, अच्छा है या एक ऐच्छिक है, आशावान है। ऑफन बीन डिस्कस्ड, जिसके बारे में बहस की जाती है या बात की जाती है। अरे अच्छी याददाश्त का होना एक इतनी अगर अच्छी बात है जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है। एंड मैन विद फैलिबल मेमोरीज हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट ए केस फॉर देयर सुपीरियोरिटी। कह रहे फिर भी ये जो कमज़ोर याददाश्त वाले व्यक्ति हैं, फीबिल मेमोरीज माने जो कमज़ोर याददाश्त होते हैं उनकी, ये समटाइम्स कभी कभी बहुत देयर सुपीरियोरिटी माने बहुत अच्छा कार्य, अपना श्रेष्ठ कार्य करने की भी कोशिश करते हैं। यानी कमज़ोर मेमोरी वाला व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। आ मैन देसे, जैसे कि कहा जाता है देसे या लोग कहते हैं, आ मैन हु इज ए परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, व्यक्ति जो
रिमेंबरिंग मशीन है, मतलब याद करने वाली मशीन है जो कभी भूलता ही नहीं है, या बहुत जिसकी अच्छी याददाश्त होती है, सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है, इज सेल्डम ए मैन, अक्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, माने प्रथम बुद्धि वाला व्यक्ति। यानी लोग कहते हैं कि जिसकी याददाश्त अच्छी होती है वो प्रथम बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाया जाता है। एंड दे क्वेट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन हु हैड मार्वलस मेमोरीज, और वह अच्छे याददाश्त वाले कुछ केसों में, कुछ मामलों में बच्चों और व्यक्तियों की जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, हु येट हैड नॉट इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, फिर भी जब समय आता है तो बोल नहीं पाते हैं या अपनी बात कह नहीं पाते हैं। जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी भी होती है, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी भी होती है, कभी कभी वो व्यक्ति भी समय आने पर वो सही बात को याद नहीं कर पाते हैं, ये लेखक कहना चाहता था। आई इमेजिन, लेखक कहता है, मैं सोचता हूँ, हाउ एवर दैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, लेखक कहता है, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, दैट ऑन द होल, इन पूरे मामले में द ग्रेट राइटर्स, बड़े बड़े जो लेखक हैं, महान लेखक हैं, एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, जो संगीत के कंपोजर्स हैं या संगीत को बनाने वाले हैं, संगीतज्ञ हैं, हैव बीन मैन विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरीज, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि कुछ संगीतज्ञ, कुछ लेखक, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। द पोएट्स आई हैव नॉन हैव हैड बेटर मेमोरीज, द पोएट्स वे कवि, आई हैव नॉन, मुझे जिनके बारे में पता है, हैव हैड बेटर मेमोरीज, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, देन द स्टॉक ब्रोकर, दलालों की अपेक्षा। लेखक कहता है कि कुछ पोएट जिनको मैं जानता हूँ, दलालों की अपेक्षा जिनकी मेमोरी अच्छी थी, आई हैव नॉन, मुझे ऐसा पता है। मेमोरीज इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट, कह रहे याददाश्त उनकी कला का आधा तत्व होता है। यानी जिनकी कला है अच्छी, जिन्हें अच्छी, यानी कला माने कुशलता है यहाँ पर, जिनकी जो अच्छे काम करने के लिए कुशल होते हैं, तो अच्छी याददाश्त उनकी आधी चीज़ होती है। अगर याददाश्त अच्छी ना हो तो वो कुशल नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, स्टेटमेंट सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैड मेमोरीज, दूसरी तरफ ये स्टेट्समैन माने नेताओं को ये सीम टू हैव एक्स्ट्राऑर्डनरी बैड, उतनी ही ख़राब याददाश्त होती है। यानी नेताओं की उतनी, जितनी ये कवियों और संगीतज्ञों की अच्छी याददाश्त होती है, उतनी ही ज़्यादा इन नेताओं की बुरी याददाश्त होती है। लेट टू, यहाँ पर लेखक या एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, लेट टू स्टेट्समैन्स अटैम्प्ट टू रिकॉल, क्या रहे, कोई दो नेताओं को अटैम्प्ट करवाओ, यानी मिलाओ, टू रिकॉल, कुछ कहने के लिए अपनी पुरानी चीज़ें, यानी स्मरण दिलाओ, द सेम इवेंट, एक ही घटना पर, दो नेताओं को एक ही घटना पर, किसी पूर्व घटना पर बोलने के लिए कहो, व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल, एट सम कैबिनेट मीटिंग, चाहे कोई जैसे कैबिनेट की मीटिंग में, और दो नेताओं को एक ही घटना पर बोलने के लिए कहो, तो एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू, तो प्रत्येक नेता, यानी दो नेता हैं, तो हर कोई कहेगा आपसे, यू दैट द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट, कि दूसरे की कहानी बिल्कुल अशुद्ध है, यानी झूठ है। एक नेता दूसरे की कहानी को, दूसरे के भाषण को गलत ठहराता है। दैट आइदर ही हैज़ ए मेमोरी लाइक ए शीप, वो कहता है या इसकी याददाश्त तो छलनी की तरह है, शीप छलनी की तरह है, यानी जो छलनी में सब कुछ डालो, ऊपर से पानी और नीचे निकल जाता है। तो एक नेता कहेगा कि इसकी याददाश्त छलनी की तरह है, अथवा इज एन ऑडेशियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, या फिर जानबूझकर सत्य को भटका रहा है, यानी या तो जानबूझकर सच को छिपा रहा है, या इसकी याददाश्त खराब है। एक नेता दूसरे पर ये लांछन लगाता है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफी एंड
स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट्स आर चैलेंजिंग। कह रहे फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, मैथ में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता विथ विच द फैक्ट इज ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज माने आत्मकथा, जिस आत्मकथा के बारे में ये तथ्य है, फैक्ट्स है, वास्तविकता है। एंड स्पीचेस या फिर भाषण के बारे में, आत्मकथा या भाषण के बारे में ऑफ स्टेटमेंट नेताओं की आर चैलेंज माने चुनौती दी जाती है। जिन आत्मकथा या भाषण के बारे में नेताओं के उन्हें चुनौती दी जाती है, सजेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये था कि जिन नेताओं को हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो नेता देखो, ये नेता देखो कितना अच्छा था और क्या क्या इन्होंने काम किया, तो लेखक कहता है येट बिगन टू प्रोड्यूस, द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू प्रोड्यूस, संसार ने अभी पैदा ही नहीं किए हैं आइडियल स्टेटमेंट, आदर्श नेता। लेखक कहता है कि ऐसे आदर्श नेता तो अभी संसार में है ही नहीं, यानी पैदा ही नहीं हुए हैं। मैन हु लाइक ग्रेट पोएट हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड, जिनकी जैसे लाइक ग्रेट पोएट्स महान कवियों की तरह हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, जीनियस हो, एंड इंटेलेक्ट कंबाइंड, और वो उनके सभी विषय में संबंधित हों, यानी सबसे अच्छे संबद्ध हों या मिले हों, यानी ऐसी चीज़ों में जिनकी याददाश्त भी अच्छी हो, इनके चरित्र भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ऐसे नेताओं को अभी संसार में पैदा ही नहीं किया है। एट द सेम टाइम ऑर्डनरी गुड मेमोरीज इज सो कॉमन, कह रहे साधारणतया ऑर्डनरी गुड मेमोरीज अच्छी याददाश्त इज सो कॉमन, इतनी सामान्य बात है, इतनी ज़रूरी है, दैट वी रिगार्ड ए मैन हु डज नॉट पॉसेस इट, जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं होती है, एज एसेंट्रिक, हम उसे सनकी कहते हैं, यानी पागल कहते हैं। कह रहे लेखक कहता है कि एक तरफ जहाँ अच्छी याददाश्त ज़रूरी होती है, तो ये इतनी सामान्य बात है, यानी कि जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं होती है उसे लोग सनकी कहने लगते हैं या पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वो भूल जाता है बार बार। आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर, अब लेखक यहाँ कहता है कि मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है, आई हैव हर्ड ऑफ ए फादर हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी, जो अपने बच्चे को ले जाता है आउट इन ए पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर माने एक पहिए वाली गाड़ी होती है जिसमें बच्चों को बिठा करके या लेटा करके घुमाया जाता है, तो पैराम्बुलेटर में अपने बच्चे को एक फादर बाहर घुमाने ले जाता है। और वाज अटेम्प्ट बाय द सनी मॉर्निंग, सुबह धूप से, धूप सुबह वाली थोड़ी हल्की सी धूप थी, यानी सर्दी का मौसम होता है जब सुबह धूप खिली हो तो अच्छी लगता है, तो अरे सुबह धूप जैसी शानदार मॉर्निंग थी, टू पाउस ऑन हिज जर्नी, और अपने बीच में यानी रास्ते में उसे पाउस वो ललचा गया कैसे, एंड स्लिप इनटू ए पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस माने होता है वही शराब बेचने वाला एक घर जहाँ शराब बिकती है, शराब रास्ते में उसे ठेका मिल गया और उसमें ललचा गया फॉर ए गिलास ऑफ बियर, एक गिलास बियर पीने के लिए, यानी रास्ते में सुबह का मौसम था, ठंडा था शानदार और धूप थी थोड़ी सी, उसे ठेका दिखा और एक गिलास पीने के लिए वह उसमें ललचा गया, उनका मन आया, तो क्या किया उसने, लीविंग द पैराम्बुलेटर आउटसाइड, उस गाड़ी को पैराम्बुलेटर जिसमें बच्चा लेटा हुआ था, लीविंग छोड़ करके आउटसाइड बाहर, उसे बाहर छोड़ करके ही डिसअपीयर्ड थ्रू द डोर, दरवाजे से गायब हो गया ऑफ द सालून बार, ये भी ठेका है, वहाँ आया था पब्लिक हाउस, यहाँ आया सालून बार, दोनों एक ही हैं, ठेका, उस ठेके में जा करके दरवाजे के अंदर चला गया। अ लिटिल लेटर, यानी यहाँ लेखक कहना चाहता है कि ऐसे भी पिता के बारे में मैंने सुना है जो बच्चे को घुमाने ले जाते हैं और रास्ते में मिल गया उनको दारू वाला ठेका, तो उसमें वो घुस गए और बच्चे को बाहर ही छोड़ दिया, यानी जरा ही परवाह नहीं की। क्या हुआ फिर, आ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद हिज वाइफ हैड टू गो सम शॉपिंग, उसकी पत्नी बाजार जा रही थी कुछ खरीदने के लिए, जाना था उसे, विच टुक हर पास्ट द पब्लिक हाउस, जो उसी पब्लिक हाउस रास्ते से वो भी गुजरी,
यानी उसकी पत्नी भी उसी रास्ते से गुजरी, वेयर टू हॉरर हर हॉरर, और वह एकदम से देख करके भयभीत हो गई। शी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने अपने सोए हुए बच्चे को वहीं पर देखा यानी पाया। जब वह इस रास्ते से निकली तो उसका बच्चा बाहर गाड़ी में सो रहा था, वह एकदम से डर गई। इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, अपने पति के व्यवहार से बहुत क्रोधित, इंडिग्नेंट माने क्रोध, गुस्सा आया उसको, अरे वो ले गया था हमारे बच्चे को घुमाने के लिए और यहाँ अकेला पड़ा है, उसका पता ही नहीं, वो गुस्सा तो आएगा ही। शी डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, उसने कहा आज इसको सबक सिखाया जाए, उसको एक कह रहे आज इसको सबक सिखाऊंगी, अर्थात उसको सजा दूंगी। शी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, उस गाड़ी को वो ले गई अपने साथ में, नहीं पत्नी वहाँ से निकली और बच्चे को वहाँ देखा अकेला तो उसको वो ले जाती है, और ये सोच करके कि अपने पति को वह सजा देगी, अर्थात कहने का मतलब उसका ये था, पिक्चरिंग टू हरसेल्फ हिज हॉरर, कि जब उसका पति उसको देखेगा कि बच्चा नहीं है तो टेरर भयभीत होगा, व्हेन ही वुड कम आउट, जब वह बाहर निकलेगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और जब बच्चे को नदारद पाएगा वहाँ से तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित होगा, यानी बहुत भयभीत हो जाएगा। यही सजा देने की सोची थी उसने, पत्नी ने मारने की सोच नहीं सोची थी, यही सजा सोची थी कि जब निकलेगा उसे बच्चा नहीं मिलेगा तो कितना भयभीत हो जाएगा, ये उसको सजा दिखने की सोची। लेकिन हुआ क्या, शी अराइव्ड होम, वह तो घर आ गई। एंटीसिपेटिंग विद एंग्री, यानी गुस्से से पागल होकर के, यानी बहुत गुस्से में थी कि आज उसको जो है सबक सिखाया ही जाएगा, आने दो लौट के क्या करते हैं। रियलाइज द वाइट फेस एंड क्विवरिंग लिप्स, वह क्या रियलाइज माने सोच रही थी, वह क्या सोच रही थी कि जब वह लौटेगा तो उसका वाइट फेस, चेहरा एकदम सफ़ेद होगा डर के मारे कि बच्चा चला गया, एंड क्विवरिंग लिप्स, होंठ उसके कांप रहे होंगे, दैट वुड सून अपीयर विथ द न्यूज, और आकर के कहेगा यानी यह समाचार सुनाएगा, दैट द बेबी हैड बीन स्टॉलन, कि बच्चे की चोरी हो गई। ये सोच रही थी कि उसका पति जब आएगा और बच्चे को नहीं पाएगा तो दौड़ता हुआ आएगा, भयभीत होता हुआ, और कहेगा कि बच्चा स्टॉलन माने बच्चे की चोरी हो गई। व्हाट वाज हर वैक्सेशन, और ये इसी प्रकार से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हाउएवर व्हेन जस्ट बिफोर लंच, लेकिन हुआ क्या, वह तो ये सोच रही थी कि उसका पति ऐसा करेगा, इतना भयभीत हो जाएगा, यही उसको सजा होगी। लेकिन हुआ क्या, व्हेन जस्ट बिफोर लंच, लंच का समय हुआ यानी दोपहर के भोजन का थोड़े पहले उसके, बिफोर हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग, उसका पति आया मुस्कुराते हुए, यानी सोच बच्चे को बात ही छोड़ो कि ले गया था और चोरी हो गया, इस मुस्कुराते हुए हंसते हुए आया चीयरफुली खुशी से, एंड आस्किंग, और पूछा, वेल माय डियर व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे, अरे बताओ क्या, बच्चे के बारे में छोड़ो, क्या पूछा कि लंच में आज क्या बनाया है डियर, यानी बच्चे हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, बच्चे के बारे में बिल्कुल ही भूल गया, एंड द फैक्ट दैट ही हैड टेकन इट आउट विथ हिम, ये बिल्कुल भूल गया कि बच्चे को भी अपने साथ में ले गया था, कहाँ गया कहाँ नहीं पता ही नहीं, और भूल गया और पूछ रहा है कि लंच में क्या बनाया। हाउ मैनी मैन, अब लेखक कहता है कि कितने लोग बिलो द रैंक, इस रैंक के नीचे होंगे, यानी इससे भी ज़्यादा वलक्कड़ कौन होगा, ऑफ फिलोसोफर दार्शनिक वुड, यानी कहते हैं कि दार्शनिक सबसे ज़्यादा वलक्कड़ होते हैं क्योंकि वो दर्शन में अपने खोए रहते हैं, तो कह रहे हैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा कौन दार्शनिक वलक्कड़ होगा, वुड बी कैपेबल ऑफ सच अब्सेंट माइंडेड एट दिस, इसकी तरह इतना वलक्कड़ और कौन होगा। मोस्ट ऑफ अस आई फियर, लेखक कहता है मुझे भर है, मोस्ट ऑफ अस आर बॉर्न विथ प्रोसिकली एफिशियंट मेमोरी, कह रहे लेखक कहता है कि सबकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, किसी की याददाश्त खराब नहीं होती है, सब बहुत अच्छे होते हैं। इफ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता, यानी लेखक कहना ये चाहता है कि याददाश्त तो सबकी अच्छी होती है, किसी की खराब नहीं होती है, तो फिर भूलते क्यों हैं, पहले ही सबसे पहले बताया था, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं, जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो भूल जाते हैं, और जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं वो नहीं भूलते हैं, तो
लेखक कहता है कि याददाश्त सबकी अच्छी होती है, यानी सब अच्छी याददाश्त लेकर पैदा होते हैं। अगर ऐसा ना होता, इफ़ इट वी आर नॉट सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, तो ये परिवार की जो संस्था है कुड नॉट सर्वाइव, ये नहीं चल पाती इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, किसी भी आधुनिक शहर में, यानी किसी भी शहर में परिवार की ये संस्था चल नहीं पाती। पता चलता कि कोई दूसरा आकर के बैठ जाता और कह देता हम तुम्हारे लड़का हैं, फिर हमें याद आता है कि हमें कि नहीं कि नहीं हमारा लड़का दूसरा है। यानी ऐसी चीज़ें याद होती रहती हैं और जो भूलने लायक होती हैं वही चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने ये दर्शाया है कि भूलना और ना भूलना ये दोनों ही मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य याद रख पाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य याद नहीं रख पाता है। कुछ चीज़ों में याददाश्त हमारी अच्छी काम करती है, कुछ चीज़ों में याददाश्त हमारी ख़राब काम करती है। तो लेखक ने दोनों चीज़ें दोनों पक्ष रखे हैं, जिससे कि आप जिसकी याददाश्त खराब ना हो उसे कुछ है ऐसा ना कहें कि ये सन की व्यक्ति है। अर्थात याददाश्त सभी की अच्छी होती है, वो कितना उसका उपयोग करता है इस बात पर निर्भर करता है। तो बच्चों आज ये लेसन आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया और कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। तब तक आप लोग घर पर रह करके पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही मेरा ये वीडियो आपके पास मैं यहाँ अपलोड करूँगा और आपके पास तुरंत इसकी मैसेज पहुँचेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन कालपी। Thank you.